बच्चों का पार्ट ए का सोल्यूशन अगले वीडियो में आपने देखा था तो आज के ये वीडियो में हम आगे पार्ट बी का सॉल्यूशन क्विक रिवीजन यानी क्विक व्यू देखने जाने वाले यहाँ पे काफी चीजों को मैं एक्सप्लेन काफी स्पीड में कर दूंगा तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है ठीक है तो यहाँ पे हमको प्री बोर्ड 2023 में जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसमें जैसे बोला गया 17 नंबर का क्वेश्चन जो काफी मोस्ट मोस्ट आईएमपी आईएमपी भयंकर कैटेगरी में हम सौ टका रख सकते हैं और उसकी बात करते हैं तो उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे मिल्कमैन वाला पूछा गया है जो टेक्चुअल एक्सरसाइज में है इसके साथ ये लोग कर्ड एंड आर नॉट इन मेटल वेसल वो भी पूछ सकते हैं या तो वो कॉपर वाला कॉपर वाला क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं या तो इस बार ज्यादा था, के ज्यादा निकल के ज्यादा तो न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन को भी भूलना मत। न्यूट्रलाइज़ेशन से रिलेटेड कुछ कुछ ना कुछ तो ये लोग पूछेंगे पूछेंगे। ही पूछेगे। so, पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है। पूछेगा सोडा टू फ्रेश मिल्क शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश स्लाइटली बेसिक जैसे जिसको हम गुजराती में कहिए नही तो जो मिल्क खराब होता है उसके उसका जो मेन रीजन होता है मिल्क का फटना और मिल्क का खट्टा होना और उसका मेन रीजन यह है कि मिल्क जो होता है वो एसिडिक बन जाता है और एसिडिक वो मिल्क ऐसे एसिडिक ना बने इसके लिए मिल्क मैन क्या करता है उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं जिससे वो बेसिक नेचर में रहे और जल्दी खराब ना हो ओके और उसी वजह से क्या होता है उसमें थोड़ा सा बेस रह जाता है और बेस रहता है इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है टू सेट एज अ कर्ड जो आपका दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड बिकॉज कर्ड इज अ लैक्टिक एसिड एंड वी इफ वी नीड टू कन्वर्ट दिस मिल्क इनटू एसिड वी नीड टू न्यूट्रल ऑल द बेस एडेड इन इट सो जितना बेस अंदर है उसको न्यूट्रल करने में टाइम ज्यादा लग जाता है सो इट दैट इज व्हाई इट टेक अ लॉन्ग टाइम इज इट क्लियर नेक्स्ट वन व्हाट चेंज इन कलर टेक्स प्लेस इन एडिंग टू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एचसीएल इन द मिक्सचर ऑफ एनएओएच एंड फिनोफ्थैलिन ओके सो so, सबसे पहले ये बात समझ लो एन एच इज अच इज अड बेस को जब फिनोक्लिन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें थोड़ा सा पिंक टाइप सोल्यूशन मिलता है और जो पिंक टाइप सोल्यूशन है वो पिंक सोल्यूशन में हम क्या डालते हैं डायलूट एक्सेल डालते हैं जैसे मैंने अभी बोला कि न्यूट्रलाइजेशन होगा सो so, यहां पर एनए एच में जब एक्सएल डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में जिससे हमें सोल्ट एंड वाटर मिलता है सो so, यहाँ पे बेस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होने की वजह से जो भी पिंक कलर था वो पिंक कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा सो मैंशन द रीजन फॉर दिस कलर चेंज बिकॉज ऑल द बेस ऑफ एनेट्स कन्वर्ट इन टू सॉल्ट दैट्स वाई द कलर फेड दैट्स वाई द कलर फेड और कलर कौन सा होगा पिंक नेक्स्ट वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ डॉबरेनर्स क्लासिफिकेशन और वी कैन से डॉबरेनर्स ट्रायर इट इज वन ऑफ दी क्वेश्चन बट थोड़ा सा आसान है के में उस उसने जितने भी element थे, उसको क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं किया था एंड सेकेंड लिमिटेशन वॉज के उस समय में uh, काफी पहचाने जाते थे नाइट्रोजन फॉस्फोरोसनिक तो नाइट्रोजन फॉस्फोरोस आर्सनिक को भी उन्होंने ट्रायर्ड में कन्वर्ट नहीं किया था ट्रायड में कवर नहीं किया था सो so, ये दोनों की वजह से डॉब्रेनर के ट्रायड क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था

तो हाइड्रोजन भी यही है हाइड्रोजन भी एच टू होता है और एच टू गैस बनता है और दूसरी तरफ और दूसरे भी देखने जाए तो दूसरा पॉइंट ऐसा है कि जो नॉर्मली नॉन मेटल होते हैं वो शायद से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ज्यादा से सॉरी सो so, जब वो ज्यादा से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन भी ज्यादा से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इसी वजह से हाइड्रोजन को मेटल या नॉन मेटल ऐसे कुछ डिफाइन करना थोड़ा टफ होता है इसलिए यहां पे कोई फिक्स पोजिशन हमें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की दिखी नहीं है हम उसको मेटल में कवर करना है तो मेटल में कवर कर सकते हैं नॉन मेटल में कवर करना है तो नॉन मेटल में कवर कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग व्हाई इज इट नेसेसरी सो ह्यूमन बीइंग में बोला गया तो सबसे पहले यह बात समझ लो कि ह्यूमन बीइंग में फोर चैम्बर हार्ट होता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो डी ऑक्सीजरेटेड ब्लड बॉडी में से सबसे पहले राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में से लंग्स में पास होगा फिर लंग्स में वो कैसे एक्सचेंज हो गए मतलब सीओ टू एक्सल होगा इनहेल होगा इनहेल जो ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस वो बॉडी में जाएगा यानी एक जो ब्लड है वो ब्लड का एक मोलिक्यूल हार्ट में से दो बार पास होता है सबसे पहले जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो पास होता है फिर लंग्स में से वापस वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में से जाएगा मतलब ब्लड

हमें करने को बोला गया है। है तो सबसे पहले हमारा आता में से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में से रेक्टम में से पास आउट होकर बाहर निकलेगा सो so, यहाँ पे ये जो फूड है ये फूड के ये ऑर्डर ये में आगे बढ़ते हैं ज द प्रोसेस ऑफ पार्सल डाइजेशन ऑफ स्टार्स एंड प्रोटीन टेक्स इजी है गिव द फुलसी वायरस डेफिशियंसी वायरस और एड्स की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम So, ये जो है वो डिसीज का नाम है और ये वायरस का नाम है ओके okay. उसके जगह आपको सी एफ सी ओटेक ऐसे कोई भी फुल नेम पूछ सकते हैं तो आपको फुल नेम का भी एक लिस्ट रेडी करके रखना चाहिए ओके नेक्स्ट वन फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ लेंथ टू मीटर ही ओके आपको जब पावर फाइंड करने को पूछा जाता है तो पावर फाइंड करने से पहले आपको ये सोच ये बात चेक करनी है कि लेंथ मीटर में होना जरूरी है यहां पे मीटर में दिया है तो पावर इज अल्स इक्वल टू वन अपॉन एफ सो वन अपॉन टू योर आंसर विल बी पॉइंट फाइव रुको लेंस कौन सा गया है कॉनकेव सो यहाँ पे आंसर कुछ इस तरह से आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव डायोप्टर अगर आपने माइनस नहीं लिखा है मतलब आपके एक मार्क हंड्रेड एंड टेन परसेंट कट जाएगा So, आपको ये चीज बात में याद रखनी है कि अगर कॉन्केव है तो पावर का आंसर नेगेटिव आएगा और कॉन्वेक्स है तो आपका पावर का आंसर पॉजिटिव आएगा ओके नेक्स्ट ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स रेजिस्टेंस बोला गया है तो चार फैक्टर है सबसे पहला टेम्परेचर फिर मटेरियल फिर लेंथ और एरिया जैसे कि ये बात समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो अंदर इमप्रॉपरनेस है वो बढ़ जाती है मतलब जो चार्ज है वो चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत होती है इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मटेरियल जैसे कि मेटल ले लो नॉन मेटल ले लो इंसुलेटर ले लो कंडक्टर ले लो तो जैसे मटेरियल बदलते हैं रेजिस्टेंस बदलता है लेंथ लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है इसी वजह से हम ये लिखते थे आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए सो यहां पे R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कुछ इस तरह से लिखते थे जिसमें रेजिस्टेंट मटेरियल लेंथ और एरिया और साथ में टेम्परेचर ये चारों चीजें पे डिपेंड करता है यहाँ पे उन्होंने जो डिपेंडेंसी बोली है दो मार्क में बोली है मतलब आपको ये चार पॉइंट लिखने कंपलसरी है अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो तो आपका हाफ मार्क कट हो जाता है जैसे आपने लिखा लेंथ एंड एरिया मतलब आप सिर्फ एक ही मार्क गेन करेंगे सो so, बात याद रखनी है अगर रेजिस्टेंस बोला गया है तो टोटल चार चीज है और रेजिस्टिविटी बोला गया है तो टेम्परेचर और मटेरियल है और आपको यह से भी पूछ सकते हैं कि डिपेंड रेजिस्टिविटी कौन कौन सी चीज पर रखता है तो दैट इज टेम्परेचर एंड मटेरियल ओके ऑनलीके स नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आय मेड ऑफ एन अल राधर देन प्योर मोटर ओके okay, पे इंस्ट्रूमेंट टोस्टर और आयन। और, हमको बताए, टोस्टर और आयन हिट होते है, काम, काम, का, काम, का काम, का तो काम प्रॉपरली कर पाएगा <laughs> अगर ये डिवाइस को गर्म करने के लिए हम कॉइल जो यूज करते हैं वो कॉइल अगर प्योर मेटल का हुआ और टेम्परेचर बढ़ गया तो प्योर मेटल का बॉइलिंग पॉइंट डाउन होने की वजह से वो मेल्ट हो सकता है और मेल्ट होने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो सकता है इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलोय का यूज करना ज्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल समझ गए स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, यहाँ पे एक जादू के साथ मैं आप लोगों के आगे एक डायग्राम लाने वाला हूं और इससे आपको मैं पूरा समझाने वाला हूं ओके सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी समझने के लिए यहाँ पे हमको एक बार मैग्नेट दिया है जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि बार मैग्नेट के ऊपर हमने आयन का जो भी डस्ट होता है उसको स्प्रिंकल किया है और उसी वजह से कुछ एक पैटर्न सा बन गया है और यह पैटर्न वो मैग्नेटिक फील्ड का डिनोटेशन है सो so, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करने जाए तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं जिसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया गया है नॉर्थ पोल में से फिल्ड लाइन जो होता है नॉर्थ से बाहर निकलता है साउथ से अंदर आता है सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जिस फ्रॉम नॉर्थ मर्जी सेट साउथ एंड इन साइड द मैग्नेट इट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन शॉर्ट दे फॉर्म कुलट और दूसरा पॉइंट ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे नजदीक नजदीक होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और जहां पे वो अपार्ट होते हैं वेर मैग्नेटिक फील्ड आर अपार्ट मैग्नेटिक फील्ड इज विकर मैग्नेटिक फील्ड इज विकर और यहां पर आप इमेज में काफी सही से देख सकते हो कि जो ज्यादातर आय पार्टिकल आयन डस्ट है वो यहां पर है क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो ज्यादा क्लोज होती है और उसी वजह से यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होता है और यहाँ बीच में फील्ड लाइन थोड़ी सी अलग अलग होती है अपार्ट होती है इसी वजह से यहाँ पे फील्ड वीक होता है इज इट क्लियर बच्चों थर्ड थिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर इफ दे डू सो देर विल बी टू डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज अब्जर्ड

so for whitewashing of wall we are using calcium oxide calcium oxide which is known as lime or quick lime jisko hum quick lime bhi bolte hain aur wo quick lime ko agar pani mein dalte hain so it will be like cao plus h2o which makes caoh twice which is known as slaked lime और यही slaked lime को हम जब दीवार पे लगाते हैं तो वो atmospheric carbon dioxide के साथ reaction करता है और वो बनाता है CaCO3. और ये सीओ सी थ्री है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है सो आंसर विल बी क्विक और उसका जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से हमने दिखाया है आपको अलग अलग इक्वेशन लिखना है टर्म्स डिफाइन वाला आसान है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन विद एक्सम्पल चैप्टर थ्री एंड द भयंकर आईम पी क्वेशन वन ऑफ द भयंकर मोस्ट आईमपीक्न रोस्टिंग रोस्टिंग कैन बी रोस्टिंग कैन बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सल्फाइड जैसे कि सोच लो कि सल्फाइड से सल्फाइड वाले ओर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड बनते हैं जिसको हम रोस्टिंग बोलेंगे और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होगा जो कार्बोनेट वाली मेटल ओर होती है उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट वाली जो मेटल ओर होती है उसमें हम ऑक्सीजन की एब्सेंस रखते हैं और उसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो वो ऑक्साइड मिलता है दोनों में मिलेगा आपको ऑक्साइड है लेकिन सल्फाइड है मतलब आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखनी है कैल्सियन में कार्बोनेट है कार्बोनेट में आपको ऑक्सीजन की रखनी है नेम्स ऑफ द प्लांट हार्मोन एंड इफेक्ट ऑक्सीजन जिब्रेलिन उसकी इफेक्ट आपको uh, पता ही है जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट के जो पार्ट में सनलाइट uh, नहीं होती है वहां पे बनता है और उससे क्या करता है प्लांट के स्टेम की लेंथ बढ़ाती है जिससे प्लांट सनलाइट की तरफ मुड़ सके और इसी तरह से ऑक्सीजन जिब्रेलिन है वो क्या करता है प्लांट का कर के, के, के जाने के बाद दूसरा फूल नहीं आ सकता है और एबसेजिक एसिड जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है हार्मोन भी बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट वन नेम द मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन फीजन ओके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बॉडी में से जो नया पार्ट बनता है उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन पोर फॉर्मेशन बडिंग दे ऑल आर द मेथड्स फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवन यू कैन से वेजिटेटिव प्रोपाकेशन इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाला क्वेश्चन है पे आपको सबका सबका सॉल्यूशन करना है और याद रखना ये इसमें से MCQ भी आ सकते हैं ओके हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड determined इन ह्यूमन beings? ह्यूमन बीइंग में आपको पता है फीमेल और मेल दोनों जेमेट होते हैं फीमेल जेमेट में XX क्रोमोसोम होता है मेल जेमेट में XY क्रोमोसोम होता है यानी फीमेल हर बार एक्स डिनोट करेगी लेकिन अगर मेल तरफ से एक्स आता है तो जन्मने वाले बच्ची होगी मतलब फीमेल चाइल्ड होगा और फीमेल तरफ से एक्स आता है मेल तरफ से वाई आता है उसका मतलब ये होता है जन्मने वाला बच्चा होगा मतलब के न, आ, मेल चाइल्ड होगा ओके So, यहाँ पे एक सम दिया गया है जिसको हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे और साथ में हमें रेड डायग्राम बोला गया है यह बात आपको याद रखनी है कि के एक केस आएगा जो रेड डायग्राम बोलते, बोलते हैं तो काफी आसान से है ओके एक्सप्लेन दीरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो जहां पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है और जैसे हमने लिखा वी इज इकोल टू बी वन प्लस

इलेक्ट्रिसिटी so, go का बिल रिड्यूसिस उन्होंने सोलर पैनल लगाया तो सोलर पैनल की वजह से उनका बिल जो है वो रिड्यूस हो गया सो इन द सोलर पैनल सोलर एनर्जीड इन टू वॉट फॉर्म सोलर एनर्जीड इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी ओके उ मेनी वक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस टिपिकल सोलर सेल तो एक सोलर सेल में से जीरो पॉइंट सेवन वॉट प्रोड्यूस होता है कितना या तो नाइट टाइम वहां पर सोलर एनर्जी हमारे पास नहीं होती है तो वहां पे हमें एनर्जी आउटपुट में नहीं मिलती है नाउर वी आर मूविंग फॉर फोर मार्केट क्वेश्चन डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट सोइंग द रिएक्शन ऑफ जिंग ग्रेन्यूअल्स

सो so, हमको ऐसा बोला गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोलिकुलर फॉर्मूलाटिव सो आइडेंटिफाई कंपाउंड ए चलो पहले हम ए का सॉल्यूशन लाते हैं ए हमको बोला गया है सी टू एच फोर ओ टू कंपेयर करेंगे तो ये हो गया सी एन एच टू एन ओ टू की ज्यादा सो ये जो केमिकल फॉर्मूला है कॉमन फॉर्मूला है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सो यहाँ पे ये यह जो सी टू एच फोर ओ टू दिया गया है वो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो बनेगा एसिड, मतलब वो क्या बनेगा इथेनोइक एसिड सो वो प्रिजर्वेटिव में भी यूज होता है यानी सी एच थ्री सी इथेनोइक एसिड और यू कैन से एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड नाउ कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एक बात समझ लो जहां पर भी sweet smelling compound दिया गया गया आपको कुछ सोचे बिना ही का सोच लेना है 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 ठीक और और पे बोला बनानी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच से भी जानते हैं ये इसका केमिकल फॉर्मुला है इसको मैं रिराइट करता हूं आपको समझाने के लिए OH, CH2, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है जिसमें यहां से ओ एच OH निकालता है यहां से एच निकालता है सो so, एच टू रिलीज होगा सो so, आगे का जो पोर्शन है वो हम लिखते हैं यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल ओ और यहाँ पे ये यह निकल गया ये निकल गया तो बचा कौन सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री फिर से सोच लो कि आगे वाला जो पोर्शन है सी एच थ्री सी डबल ओ वो हमने यहाँ पे लिखा है और पीछे वाला जो पोर्शन है सी एच टू सी एच थ्री उसको हमने यहाँ पे लिखा है So, इसी तरह से एक सॉल्यूशन ऐसे सोच लो के आर, C double, R dash, कुछ इस तरह से बनता है अब यहां पे जब दोनों साइड हाइड्रोकार्बन है और बीच में सी डबल है तो वो हमारा एस्टर बनता है और एस्टर में नाम के पीछे ओएट लगता है क्या लगता है ओएट यहां पे सी एच टू सी एच थ्री है तो इसको हम बोलते हैं इथाइल और पीछे सी एस थ्री सी डबल है तो इसको हम एसिटेट भी बोलते हैं आइदर वी कैन से इथाइल दो कार्बन है इथेन और उसका ओएट यानी इथेनोएट तो जब एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको एस्टर मिलेगा और यहां पे दोनों इथेनॉल और इथाइल है तो इसी वजह से इथाइल इथेनोएट मिलेगा सो योर आंसर फॉर बी बी विल बी एज ओके हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए फ्रॉम बी अब यहाँ पे हमें बी मिला था इथाइल इथेनोइट इथाइल एसिडेट उसमें से हमें ए वापस लाना है ओके तो फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे सी एच दैट इज इथाइल एसिडेट और हमको क्या लाना है ए लाना है विच इज सी तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हम NaOH के साथ करवाएंगे NaOH से रिएक्शन करवाने से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये सी वो दोनों कंबाइन हो गए सो सी And H के बनेगा और साथ में ये जो है सी एच थ्री सी एच टू ये ऑक्सीजन फ्रॉम एन एच और ये सोडियम फ्रॉम Na इस तरह से कंपाउंड मिलेगा सो so, इसको हम पहचानते हैं एज अ सोडियम Na का होता है सोडियम उसके बाद ये दो कार्बन का इथ और ये ऑक्सीजन का ऑक्साइड तो इसका नाम होता है सोडियम इथ ऑक्साइड सोडियम इथोक्साइड मिलेगा सोडियम इथोक्साइड जो साइड प्रोडक्ट है लेकिन हमारा मेन इंटेंशन क्या था कि बी में से ए को लाना मतलब इथाइल इथेनोइड में से हमने इथेनोइक एसिड को वापस ले दिया है और इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट वन विच इज गैस विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कंपाउंड रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा इज एन और यहां पे जो कंपाउंड है जो कंपाउंड ए है वो एसिड है So, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है लेकिन यहां पे जो बेस है वो कार्बन वाला बेस है जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कार्बन वाला बेस जब भी रिएक्शन करता है सीओ टू रिलीज करेगा सो सीओ टू विल बी प्रोड्यूस सीओ टू विल बी प्रोड्यूस जिसका आपको इक्वेशन भी लिखना होगा सो सी एच थ्री सी डबल का रिएक्शन अगर Na2CO3 के साथ होता है तब यहां पे 2 एच को रिप्लेस करता है एन ये जो एच है ये एच को हटा के एन आ जाता है मतलब सी एच थ्री सी डबल एच टूओ प्लस सीओ टू और बैलेंस करने के लिए यहां पे ले लो सो so, इस तरह से हमको मिलेगा सोडियम इथेनो ये होता है सोडियम दैट इज योर एन और दो कार्बन का इथेनोएट साथ में गैस कौन सा रिलीज होगा सीओ गैस रिलीज होता है ओके नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि वो दूर से नहीं, पढ़, दूर से नहीं पढ़ पा रहा है so, वो वाला question आपको आसानी से याद रखना है ओके okay. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है मतलब अगर पार्ट भी देखना चाहे तो ये वाला क्वेश्चन हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने इलेक्ट्रिक मोटर हमको दिया गया है सो so, ये पार्ट बी का सॉल्यूशन हमने काफी जल्दी से बना दिया है और फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन की ज्यादातर नीड है समझने के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम पार्ट बी का सॉल्यूशन यहां तक रखते हैं ओके थैंक यू दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बाय